हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में चीता और स्नो लेपर्ड के बीच हुई लड़ाई में जीत किसकी हो सकती है यह बताया हुआ है। वैसे तो इन दोनों का रहने का एरिया एक दूसरे से एकदम विपरीत है, इसलिए इनका कभी आमना सामना हो ही नहीं सकता है। और किसी कारण से हो भी जाए तो इन दोनों में से कौन ताकतवर है, इस बात का पता लगाने के लिए यह लड़ाई किस जगह हो रही है यह भी देखनी होगी। इसलिए हम सबसे पहले इन दोनों के बारे में की पूरी जानकारी जान लेते हैं, बाद में उनके पर्टिकुलर एरिया में हुई लड़ाई में जीत किसकी हो सकती है यह पता लगाते हैं। तो चलो, तो हम सबसे पहले इनके साइज और हैबिटेट के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि चीते लंबाई में करीब 1.7 मीटर से लेकर 2.3 मीटर तक हो सकते हैं, जिसमें इनकी पूंछ भी शामिल है, और इनकी शोल्डर तक की हाइट 0.7 मीटर से लेकर 0.9 मीटर तक हो सकती है, और इनका एवरेज वेट 20 किलो से लेकर 70 किलो तक हो सकता है, और यह आपको ज़्यादातर अफ्रीका और सेंट्रल ईरान में देखने को मिल जाएंगे। वहीं स्नो लेपर्ड की बात करें तो स्नो लेपर्ड लंबाई में करीब 2.1 मीटर तक हो सकते हैं, जिसमें इनकी 1 मीटर तक लंबी पूंछ भी शामिल है, जो सभी बड़ी बिल्लियों में सबसे लंबी होती है, और इनकी शोल्डर तक की हाइट 0.5 मीटर से लेकर 0.6 मीटर तक हो सकती है, और इनका एवरेज 25 किलो से लेकर 55 किलो तक हो सकता है, और यह आपको ज़्यादातर सेंट्रल और साउथ एशिया में देखने को मिल जाएंगे, जिसमें हमारा भारत देश भी शामिल है। तो अब इनके वेपन्स और स्ट्रेंथ के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आप सभी को ही पता है बिल्लियों की प्रजाति में उनके मुख्य हथियार है उनके पंजे और लंबे कैनाइन टीथ, क्योंकि सभी बड़ी बिल्लियां इनके आधारित पर ही शिकार करते हैं। जैसे कि चीते अपने 3 इंच से लेकर 4 इंच तक लंबे पंजों से अपने शिकार को जमीन पर गिराते हैं, और बाद में 3 सेंटीमीटर तक लंबे कैनाइन टीथ अपने शिकार के गर्दन में धंसा लेते हैं। वहीं स्नो लेपर्ड की बात करें तो स्नो लेपर्ड के पंजे अफ्रीकन लेपर्ड और कुगर से भी बड़े हुआ करते हैं, क्योंकि स्नो लेपर्ड को आइस पर चलना पड़ता है, और तब इनके इतने बड़े पंजे किसी नेचुरल स्नो शूज की तरह काम करते हैं। हालांकि इतने बड़े पंजे होने के बावजूद यह अपने शिकार पर इनका कम ही इस्तेमाल करते हैं, मगर यह 2.8 सेंटीमीटर तक लंबे कैनाइन टीथ का इस्तेमाल बखूबी करना जानते हैं। तो अब इनके स्ट्रेंथ के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, चीता और स्नो लेपर्ड इन दोनों की मुख्य स्ट्रेंथ है इनकी स्पीड, क्योंकि यह दोनों ही सभी बड़ी बिल्लियों में सबसे तेज भाग सकते हैं। जैसे कि चीते की टॉप स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, वही स्नो लेपर्ड की 90 किलोमीटर प्रति घंटे की, मगर चीते को इतने तेज रफ्तार से भागने के लिए प्लेन लैंड की जरूरत पड़ती है। हालांकि स्नो लेपर्ड पर्वतों के उबड़ खाबड़ पत्थरों पर भी आराम से भाग सकते हैं, और साथ ही चीते साइज, एजिलिटी, शिकार करने का एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंट के मामले में भी स्नो लेपर्ड से आगे है, क्योंकि चीते बड़े जानवरों का शिकार कर लेते हैं। वही स्नो लेपर्ड स्टैमिना के मामले में चीते से आगे है, क्योंकि चीते अपनी टॉप स्पीड में सिर्फ 20 सेकंड तक ही भाग सकते हैं, उसके बाद उन्हें रुकना ही पड़ता है। अगर वह नहीं रुके तो उनकी जान जाने का भी खतरा बना रहता है। और साथ ही स्नो लेपर्ड के शरीर पर 5 सेंटीमीटर से लेकर 12 सेंटीमीटर तक लंबे बाल मौजूद होते हैं, जो इन्हें ठंडे इलाकों में रहने के लिए मदद करते हैं। और साथ ही यह बाल स्नो लेपर्ड को अपने दुश्मनों के हमले से भी बचाते हैं, क्योंकि यह बाल किसी प्रोटेक्शन लेयर की तरह काम करते हैं। तो अब अटैक। दोस्तों, यह दोनों ही अपना पेट ज़्यादातर शिकार करके ही भरा करते हैं, इसलिए यह अपने एरिया में जितने जानवर मौजूद है उस जानवरों का ही शिकार कर लेते हैं। जैसे कि चीते, डियर, इम्पाला, झेब्रा, विल्डबीस्ट, यहाँ तक ऑस्ट्रिच का भी शिकार कर लेते हैं। यह सबसे पहले अपने शिकार को दूर से ही निश्चित कर लेते हैं, बाद में उसके जितने हो सके उतने नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं, और नज़दीक जाने के बाद उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं, और बाद में उनके पिछले पैरों पर हमला कर देते हैं, ताकि उनका बैलेंस बिगड़ जाए और वह नीचे गिर पड़े। बाद में उसके गले पर 475 USI बाइट फोर्स से काट लेते हैं। वही स्नो लेपर्ड ब्लू शिप, साइबेरियन आइबेक्स, वाइल्ड गोट जैसे जानवरों का शिकार कर लेते हैं, और यह भी अपने शिकार के जितने हो सके उतने नज़दीक जाके अपनी स्पीड के बलबूते पर ही शिकार कर लेते हैं। यह अपने शिकार के गर्दन पर 450 PSI बाइट फोर्स से काट लेते हैं। तो अब फाइट। दोस्तों, मैंने पहले ही बताया हुआ है कि इनकी अगर आपने अपने पर्टिकुलर एरिया में लड़ाई होती है तो कहीं ना कहीं इन दोनों को एडवांटेज मिल सकता है। जैसे कि इन दोनों की लड़ाई अगर ग्रासलैंड रीजन में होती है तो 100% चीते की इस लड़ाई में जीत होगी। वही यह लड़ाई पर्वतों पर जहाँ बर्फ गिरती हो वहाँ होती है तो उस लड़ाई में स्नो लेपर्ड की जीत होगी। मगर मैं यह निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ कि अगर इन दोनों की कई और लड़ाई होती है तो किसकी जीत होगी। तो आपको क्या लगता है इस बारे में, किसकी होगी जीत, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो स्क्रीन पर दिखाए गए किसी भी वीडियोस पर क्लिक करके देख सकते हो। और साथ ही साथ आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।